हमारे प्रदेश के तमाम जनता, आज इतवार है और आप लोग को मेरा प्यार यहां से पहुंचे। भाई जी, वैसे तो आप जानते हैं कि सूरीनाम में कुछ दिनों से बारिश होने लगा है, भवंडल आने लगा है, हवा चलने लगा है, लोगों को तकलीफ देने लगा है, घर द्वार लोगों का सेंग प्लाट उड़ने लगा, पेड़ गिरने लगा, वगैरह वगैरह ये सूरीनाम में होने लगा है। और आप तो जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले इतनी मकान के डाक उड़ गया, इतनी सड़कों पर पेड़ गिर गया, बड़ी से नुकसानी हुआ। और ऐसे रोजाना इस वक्त हवा चल रहा है, आज भी काफी हवा चला है और लोग ने कहते हैं बहुत जगह पर भी पेड़ वगैरह गिर गिर गया है, सड़कों पर गिरा है, कितने के डाक उड़ गया है और अनेक अनेक प्रकार के हानि जनता को हुआ है। भाई जी, सूरीनाम के जनता, पता चला है कि एक अरेस्टेंट, ये पुलिस पोस्ट हो टेन पर जो है ये पॉजिटिव बस्मेट है, पॉजिटिव। और अब ये अरेस्टेंट को अलग कर किया जाए या न अलग किया जाए, अलग अगर ना किया जाए तो वहां सब बीमार हो सकता है। जैसे भी हम लोग कल सुने थे कविनाथ फंड प्रेसिडेंट या भैया जय मुंशी है, वहां एक पर्सोनेल बस मैट है, इसी कारण से बाकी पर्सोनेल को टेस्ट क्वारंटाइन में रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला एक छोटा मामला नहीं है कि आप एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ऐसा बात नहीं है। अब ये जो अरेस्टान के बात हम करते हैं, पुलिस पोस्ट होटल में पॉजिटिव का टेस्ट, इसको वहां से हटाना चाहिए वरना वहां सब बीमार हो सकता है। भाई जी, कोविड 19 शनिचर को करीबन 2 लोग सलांसी का है, इसमें देहांत हुआ है और अफसोस की बात है भाई जी, 160 लोग का मृत्यु हो चुकी है कोविड 19। मैं अंदर पता है कितना मिला करके टोटल कितना लोग बीमार भय सन्ना में, कई हजार मार्च से लेकर अब तक 8,650 लोग पॉजिटिव था और ये शनिचर के 2 देहांत हुआ है तो टोटल 160 लोग देहांत हुए। और ये 24 घंटे में कितना पॉजिटिव देखा गया है? देखा गया है एनन देर तक को। भाई जी, आप हमसे बताइए कि कल रहा 120 ना, इसे कुछ रहा टेस्ट, हाँ 321 टेस्ट भाई है, 116 फील रहा पॉजिटिव और इसे कुछ फ्राइडे के, हाँ तो हाँ, करीब 20% रहा, परसेंट वील इधर करिए तो 20% फ्राइडे के रहा और कल रहा 14%। और फॉलोअर्स वी हा ओ नॉर्म जैसे सुनने में आए हैं कि बनीदे 3% चाहिए रहेंगे तब तू कंट्रोल कर सके है। तो भाई जी, आप तो देखत है कि शनिचर के 2 लोग के मौत हुआ है सलांसी के हाउस में, और अब है 160 लोग के मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के द्वारा। और सरकार ने बताए थे कि वो जो मंगाया है बेचलान से फक्स है यहाँ पर प्रेक करने के लिए, इट्स फाइसर आवत, हाँ तो आप पता ना है कौन रीडर से फाइसर वो अमेरिका के फक्स है, कौन रीडर से वो फक्स है अब नहीं आएगा। अब अस्त्रा सेरेना वो इंग्लैंड के है, वो फक्स सरकार ने बस्तेल किए हैं। सुनने में आयल है कि 15 फरवरी के आ जाएगा और 15 फरवरी से वो लोग शुरू करेंगे वैक्सीनेट करने के लिए, लेकिन मिनिस्टर बोले हैगा इट्स फ्रंट लाइनर्स यानी कि जो लोग फरप्लीकिंग हैं, दतरा लोग हैं, वो सब जो ना
फ्रंटलाइनर में है, यानी कि जो लोग सबसे पहले आराकिंग में आवे है कोविड पेशेंट से, तो उन लोगों के पहले वो लोग वैक्सीनेट करेंगे, करीबन 2000 लोग है, तो उन लोग पहले यानी वैक्सीनेट होगा। फिर उसके बाद में जो लोग बयार्द तहस में है और जो लोग दियालीसेर हुए है उस सब तो इधर लाइन में है। ओके भाई जी, एक अफसोस की बात है ना कि रोजाना इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव टेस्ट होता है, जो हम लोग सोच रहे थे कि अब कमती होगा एक होगा दो हो, लेकिन अब तो ज्यादा ही ज्यादा होता जा रहा है, तो इसीलिए ये वैक्सीन की बहुत जरूरी है। मैंने से भी देखिए ना, भी ये बात है कि अगर हम लोग खुद जो मात्र इखलबियोखी और सरकार लिए है हाथ धोने के लिए, हैंड सैनिटाइजर 1.5 मीटर, मौन न्यूज काप लगाने के लिए, अगर हम लोग एक दुई महीना हम लोग उरीखल से चलेंगे, तो हम सोचे ला कि हम लोग बनीदा वे यहाँ वो नॉर्म रहेंगे, तो फिर सब चीज नॉर्मल हो जाएंगे। दो महीना ऑफर कर दे तो फिर जिंदगी वैसने फिर हो सके है, मैं जब ना ऑफर करिए तो मंगिए जैसे बा वैसे, तब दोनों लगल रहेगा तो असेंबली में अबे सुख के 6 महीना के फिनो फल लेंगे भाई रहेगा वो असौंद्रिक ब्योरखल का असौंद्रिक स्वेत तत् औखस्तस लेक, तो अबे जब ये बस में आते हैं दोनों रही तो ये औखस्तस लेक ये लॉकडाउन रहेगा ना बचाइए तो टोटल लॉकडाउन हो जाए। वीकेंड आज लास्ट वीकेंड हैगा जैसे सरकार ने कही से कि टोटल लॉकडाउन सुख से सोमवार तलक, तो अब कल हो सके है शायद हो सके अभियान सरकार बताई और कौन कौन है ना मात्र इखले वो लोग लेगा। जैसे सुनने में भी आया असेंबली में कि अगर आप रिहल से नहा चलेंगे और सरकार तो के तुई द केयर या देर द केयर अब पक करेंगे तो हो सकते हैं कि तो के हवालात में बंद कर देगा, तो कोई ना मांगे हवालात में जाए, कोई ना मांगे जहल में जाए, तो भैया बचाए के रहो एक दुई महीना अपने के ऑफर कर दे तो, ताकि फिर उसके बाद में हम लोग अपन फरियारी ब्याह शादी सब चीज नॉर्मल कर सके। माँ हो आंधी रही खजना ऐसे है मन शबीर जी। भाई जी आप लोग सुन चुके हैं और सरकार को भी जानना चाहिए कि वो लोग ये इन्फॉर्मेशन भी सुरीनाम में न टेलीविजन द्वारा भी गांव-गांव जा करके ये समस्या को बताना चाहिए, क्योंकि लोग हर एक को टेलीविजन नहीं देखते हैं, क्योंकि लोग का पेट गए भर टेलीविजन देखत देखत, बहुत सा टेलीविजन है गांव में जा करके सौंतरिक से सरकार को चाहिए कागज बांट बांट करके जनता के से बात करने के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा करके गांव गांव रास्ता रास्ता में, जैसे पहले थिएटर में फिल्म ड्राइव हुए तो साउंड ट्रैक तो सब कागज फेंके, तो तू जानिए कि कौन फिल्म कौन थिएटर में है। वो मैं चक्कर वो तो मैं ही कर रहा थे, मेरी काम वही था ना। तो भाई जी गांव में जा करके सरकार को ये टीवी के बाद बंद कर देना चाहिए, ये एक पखंड है, तुम्हें जा करके गांव में जहां जनता बैठा है घर में है वहां पर जा करके बताओ कि कैसे आपको उठना बैठना कोविड के बारे में। अब आप देखिए ये बेंजीन का प्राइस सुनने में चढ़ गया है ना, 1,800 तक हो गया है और अब शायद देश में शायद कम गाड़ी चलेगा ना, ऐसा की है ऐसे की ना। हाँ अब तो ध्यान से देखा जाए ना, कल है सोमवार है ना, ध्यान देखा जाए कि कितना गाड़ी चलेंगे, लेकिन भी ये बात भी है कि अबे तलक कांतोर बंद है ओफरेज कांतोर, तो खाली एसेंशियल दिनस्त एसेंशियल बलांगरे का काम वो आप कर सकते हैं, जब सब नॉर्मल हो जाए तब पता मिलेगा कि कैसे है। वह सुनने में भी आयल है कि ओली मास्क पे यानी कि बॉन्ड बोली से कि 25-30% कमती लोग तेल भरते हैं, लेकिन 1 लीटर तेल तो मैंने 12 रुपया 2 सीस कमती। हाँ तो भाई जी फिर भी लोग सोच रहे थे कि कम गाड़ी चलेगा, लेकिन देश सुरीनाम में हम लोग जानते हैं कि इसमें फील लगता फीला बहुत से गाड़ी बहुत से लोग गाड़ी लेकर के आता है और पता नहीं है कि
ये प्राइस जो बेंजीन की चढ़ता है, ये गाड़ी रोकेगा चलने के लिए या लोग सोचेगा कि इन लोग का तनख्वाह बढ़े, पता नहीं क्या है, लेकिन बेंजीन प्राइस चढ़ गया है। ये फरफोश तुलाख जो प्रेसिडेंट ऑफिस प्रेसिडेंट के सो मुकर्रर किए थे कि जब मिनिस्टर्स अपना गाड़ी चलाएंगे तो वो लोग को 2 लाख मिलेगा, मिनिस्टर्स लोग को 15,000 और कुछ, और प्रेसिडेंट के 22,000 और कुछ। तो ओपोजिशन और कोअलिसी बहुत से आवाज उठाई से इसके बारे में और दिखाई से कि मिनिस्टर्स लोग को चाहिए ट्रेन वाहन चलाने के लिए जो मिनिस्ट्री पर मौजूद रहता है, हर एक मिनिस्ट्री पर ट्रेन वाहन है, मिनिस्टर्स लोग को वो गाड़ी चलाना चाहिए, और अगर अपना गाड़ी चलाना चाहेंगे तो सरकार के गाड़ी इन रेफर करना चाहिए। लेकिन वो तो बात है ही नहीं हर एक मिनिस्टर को। मैंने सभी देखिए हैं ना, फरफूस तुलाख कब फरफूस तुलाख कोई के देवल जा है, जो अपने से तेल भरे हैं, अपने से ऑटो ऑन द हाउ करे, सब चीज करे हैं। माँ हमसे बताओ कौन मिनिस्टर अपने से तेल भरे हैं? द स्टार्ट टैंक फॉर द मिनिस्टर ऑटो सेल्फ जो कार वॉश या धोवाए तो वो बॉन भी दिखला रेयर हो गए हैं। ऑटो के को बांती किना है तो वह दिखला रेयर हो गए हैं। द फ्राग एक माफ कि ऐसा नौ दख वह जितना चीज है चाहे तो प्रीफे ऑटो बा, जितना तू प्रीफे ऑटो वॉस करिए सब दिखला रेयर करे सब। तेल 100 में, ऑनदर दिल 100 में, ऑटो जाए धोवाए 100 में, तक कौन सी खातिन तू अन ऑटो अन तुलाख मांगे हैं, कौन सी खातिन? तो और जब तू मांगे हैं कि सरकार के गाड़ी चलावे, तू सरकार बाटे काहे खातिन तू जा है एगो डीलर से अन ऑटो बस तैयार करे, एगो डीलर लगे किनिए तो 40,000-50,000 तो के डाला में ऑटो हुआ बेचे को सेल्फ दी ऑटो बाई दी अन फेरमा तो द हेल्फ खुद को ऊपर तू इनफो रखते फ्राई ऑटो वाला ऐसा के सब मिनिस्टर बन के दे दे। यही बंदस्तात यही हालत इनफो रखते फ्राई ये बस्ताल सेल्फ बाई द फेरमा कहे खातिर तू जाइए अन यहाँ लोकल फेरमा लगे किने और सब चीज तो के बा दस वही समझ से बाहर है कि ये टैंक बाई ओवे लगे टैंक हुए हैं तो अब वारदान ओके टैंक ऑन दर हाउथ भी अने ओकर सब चीज हो सरकार तो रे खात करे है सेल्फ तो हुआ धोवा है सरकार भी करे है। द इज द फ्राह कौन सी खातु पैसा मांगे हैं वार फॉर फ्राह ये दैट ख्याल तो ये मिनिस्टर्स और बाकी लोग के जो फरफूस तुलाख के बारे में जिक्र था ये इस आंखों होजन या इस आंखों होद फॉर अने ये आंखों होद है तक एंड फन एट यार दिस अब पता ना है 2020 में इन वर्किन टीवी का से सब पाई कि अना टीवी का से ना पाई ओके हुए को बात है। तो भैया जी आप लोग सुन चुको है कि ये मामला जो था ऑटो सरकार के यानी 2 लाख ये रोक दिया गया है तो एन फन यार और फिर उसके बाद में हम लोग सुनते रहेंगे। अब यस में आखिरी बीवारी से ये कांतोर बंद है क्योंकि वहां का एक पैशनील बस मैच है, इसी कारण से वो कुछ दिनों तक बंद रहेगा। आप बी एस वो है अल्कमीन स्टैटिस्टिक ब्यूरो के बात हम कर रहे हैं तो ये बंद भैया जी वहां पर भी बस मैचिंग आया है। ये 20 ऑटो एक पैसोन ऑटो शनिचर के लॉकडाउन के समय आ रही हुआ है इंदिरा गांधी वैक में धमाका के साथ भैया बहुत जबरदस्त आ रही थी। ये हुआ है जैसे आप सुनो दिस ऑटो एंड पर्सोना ऑटो और ये लॉकडाउन पीरियड में हुआ है तो अब सरकार अंदेशुक करेगा कि ये रात्रि को क्या कर रहे थे दाम पर से 12 बजे रात के मेदरनाक के बात है सुन लो आप लोग भाई जी 12 बजे रात के और वो गुतरों में चल गए तुलसी वह जहाँ इंदिरा गांधी वह बकनेल्थ हो गया था वो बस्ती उधर ब्रांतवेर उनको निकारी से गाड़ी में से और उनको सिकन है इस लगे वही बात है। मैंने सबीर 12 बजे रात के कौन दिन सोत रहा देश गाड़ी से 12 बजे कौन दिन सुकर तो अब यही जो सरकार को अंध सुख करना चाहिए जो सरकार अंध सुख नहीं करना चाहते हैं समझे ना।
तो हम लोग आगे चलेंगे तो पता कि पटना वेख में दो आदमी या कुछ लोग वहां जुआ खेल रहे थे ना। हाँ, जुआ खेल रहे थे और दो दो दो, दो, दो यानी दोस्तों में कुछ टकरार हुई और एगो के फेस फिर वहां पर रहा, एगो के पास ईटा उटा था और वो ईटा फेंक कर उस भाई के घर के आईना फोड़ दिए। तो उसमें कुछ अफ्रीकनिंग या कुछ प्रॉब्लम जैसे बरेख में है कि एक ड्रग्स प्रॉब्लम था और उसके कारण स्कूटर लॉस हुई है, दगावल भैल है, पता ना है कि कोई घायल भैल है कि ना घायल भैल है, लेकिन अंदरसुक कर रहा है कि कहाँ तक पता मिला है कि कोकाइन के एयरफेयर में अंदर हैंडल में कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा, आप सोच कोई बात नहीं, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ ने सुशाल साक को वहां के जो डायरेक्टर है मेलिता सेंटेलिया उन्हें जा करके कुछ सामान दिया, कंप्यूटर्स वगैरह, प्रिंटर वगैरह ना, तो ये अनफान कर लिया है और ये है मिनिस्ट्री फंड सुशाल जाक के लिए, यूनिसेफ ने दान के तौर पर जा करके दिया है भाई जी, तो ये बात पता चला है। और ऐसा ही भी लायंस क्लब परमारीबो सेंटर एंड लिफ और लायंस क्लब रोटरडाम, ये दोनों ने कुछ सामान मिनिस्ट्री फंड फोर्स को सौंप है एंड अकादमी सेकेंड हाई स्कूल आकर के दिया है, ऐसे है। हाँ, हम सोचे ला शायद कुल कास वगैरह, कुल बॉक्स, कुल बॉक्स है या खेमो मेडिसिन के लिए, यानी कि जो लोग के कांकर अंदर खलेक वो सब दवाइयां उसमें धरने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा बात है मैं शबीर की सुशाला इंस्टॉलिंग सिकन है ताकि पेशेंट भी बहांदल हो सके है ना। या 12 साल के सजा मांग की है प्रोक्योर जनरल और वो है हुबजरात के, हुबजरात जो एक मिनिस्टर था सूरीनाम में फिनांस का मिनिस्टर, तो रॉय बैजनाथ पांडे यानी कि 12 साल के सजा की मांग की है क्योंकि उनके पास पूरा सबूत है कि ये आदमी बड़ी से बड़ी बेईमानी की है सरकार के, और 500,000 डार भी अगर ये नहीं भरेगा तो उन्हें भी जेल यानी कि 12 महीना का जेल भी काटना पड़ेगा। तो प्रमुख जनरल रॉय बैजनाथ पांडे को यानी फर्स्ट फोर्स लोग कहते हैं क्योंकि हुबजरात कोर्ट में नहीं था। अब बात तो यही है कि ये हुबजरात गिनमार्डो क्रोमोसोटो रॉबर्ट पेटर इन सब के साथ मिल करके जो कुछ पैसा वैसा लिया बैंक से, ये तो आप जानते भाई जी, ये बात हम बार बार नहीं समझाएंगे, लेकिन प्रोक्योर जनरल रॉय बैजनाथ पांडे के पास पूरा सबूत है और उन्हें 12 साल के कैद के सजा और तुरंत गिरफ्तारी के लिए हुक्म दिया है। लेकिन कहा है हमारे देखने में सरकार को जो कोई लापता है तो उनके लिए कुछ इनाम के तौर पर कुछ बोलना चाहिए सरकार को। हाँ, बलूनिंग बलूनिंग देना चाहिए कि जखेन जी का प्रत्यावार है, एस वार है, खदौ केस। मोइस अच्छा बताए तो उन्हें 5,000 डाला। हाँ, तो अब लगे कब भी तो पकड़ा जाए। हाँ, जब देखिए कि कभी कभी बेतलान में अमेरिका जब कोई खोजे एक मोई फॉर्मल बिन लादे के जा अमेरिका खोजत रहा जी। हाँ, तो 10 मिलियन यूएस डॉलर बलूनिंग रहा। सरकार के भी चाहिए बलूनिंग धरे के अगर मांगे जाने की कहा हुफदरात बा सेतम बलूनिंग फान 1-2 मिलियन एसआर दे तो जरूर जो कोई जाने है या तो वो जरूर बताएगा कि हुफदरात कहाँ बा। जी हाँ, अरे बताइए कि अरुबा में है कि रसौ में है या सेंट मार्टिन में है ना, कहाँ पर बैठल है भी। हम सोचे अभी जो जो लाइफ हुआ होकर रहा जो बफेला खेन्समान रहा तो द लास्ट मोमेंट बफेला खेन्मान ओकरे संगे रहा है साल इवेंटुअल को नो वेट अवार दी माने से खान कहां पहुंचाई सके कौन हाफल पे पहुंचाई है कौन ओतो से पहुंचाई है कि फ्रांस को आना से कहां गई है या गयाना से कहां गई है। और
कोई ना बतावे है कि ओकर ओ तो कहां बा एस दिन्स फोर तारीख वार इज द दिन्स फोर तारीख कि ओ लेफर करी से कि ना लेफर करी से कि उ दिन्स फोर तारीख लेके भागल है पता ना उस सब चीज या भैया जी एक बड़ी अहम बात हम आपको बताने जा रहा हूं और बात ये है कि रखेरी बहुत से जब ये कोरोना शुरू है तो वही लोग प्रोग्राम शुरू किया है और कुछ पैसा के खुद क्योरिंग यही हुबदरात रहा और मिनिस्टर पान फलोसों थे कुछ पैसा खुद क्योर किया कोफत नीखंतीन कोरोना वायरस के लोगों को ये मदद करने के लिए तो वो पैसा के खर्चा जो हुआ है और हमारा देश का परिचय नया रखेलिंग पहुंचा है नया रखेलिंग बैठा हम पुराना रखेलिंग बात करते हैं जो पैसा कोविड के लिए पाया था यानी इसका काम लाने के लिए तो अब देश का प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी यानी कि कलाट को हुक्म दिया ये बात ऑन द सुक करने के लिए अब कलाट जब बातचीत ऑन द सुक किया है जो पैसा लोगों को खर्चा करना चाहिए कोविड नेखन दिन के लिए तो अब पता चला है कि नेखन दिन तक मेरियन जेफो हॉर्ट एंड फेफन डर तक डन ये पैसा पता नहीं कहां पर खर्चा भेज इसी कारण से देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी तुरंत वो क्राट रिपोर्ट प्रोक्योर जनरल के हवाले कर दिया और कहा पेखे आप काम करो देखो के चोर है उन्हें पकड़ पकड़ करके गिरफ्तार करके बंद करो ऐसे बात है कि ना हाँ ऐसे बात है वो नोट फंड्स जो रहा कोविड के नोट फंड्स कोविड के कमासोफिल मिलियन जो है वो पैसा कहां गए है केकर जेबी में गए है कि दूसर चीज भैल है दूसर काम में लगाया गया है तो वो सब चाहिए अंदर सुख होवे के और जे जे बलास रहा ओके चाहिए बतावे के कि केकर अपद्राख से हो सके है कि वो पैसा दूसर फॉरम में चल गए हुई दूसर काम में चल गए हुई जो चीज खाद न उदक रहा ओके ना खबर भैल हैगा हो सके दूसर काम में लगाया गया होगा तो देखे चाहिए दतमखनी हाँ तो अब उस चाहिए ऑन द सुख करके पेखे के कि जे वी द पर्सन दी बलास वास ऑम एट हाफ अस्त दुन हुफदरात रहा या हुफदरात कोई के मख्तख करे रहा होएगा ऑम दत ख्याल ए तकीफ तो के पकड़ के ने पूछो का तो बात है ई हमारे दिमाग से तनी बाहर बतिया है कि जब से इनो के हाथ में पैसा गईला है अब आप देखिए शुरू भइल भैया वो जो कारिफेस्टा से ये पैसा इन लोग के हाथ में आए है ये पैसा लापता ये पैसा इन लोग के हाथ में गए लापता है जो ये जितने हाथ में ये पैसा गए अब देखो एक पैसा एक नोट फंड्स के लिए निकाला गया नोट फंड्स के लिए मुसीबत है ये बीमारी फैल गया लोग मरते जा रहा है बीमार है ये काम पर नहीं जाते हैं कम करता के निकाल दिया गया ये नोट फॉन्स में से नेखनन तक मिलियन जीफो हॉन्ड्रेड पेफन जाते और कितना पैसा ये लोग ने अपने जेब में रख लिया मतलब कि ये पैसा लापता है ये नहीं एक मिलियन नेखनन तक मिलियन ताकि तू जाने कितना पैसा है ये तो हम जहां लोग सोचिला कि कुछ लोग ने इस देश के बर्बादी करने में लगा है इस देश को भस्म करना चाहते हैं हमारा देश का प्रेसिडेंट को चाहिए और कानून के वालों को खड़ा करने के लिए क्योंकि अद्युर तलंग ऑन द क्रिमिनल ऑन द होडन प्रेसिडेंट अद्युर तलंग अद्युर तलंग ये हम लोग अब नाश को आज के चीज न है कारी फैसला ये आज के चीज न है एक बदूल कौन सी वोट है भाई अब एक मामला एक पर आखिरी से लादा दे फूलों पर ये अब जो हुफदरात के बात है ये इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है जब सब लोग सरकार के ऊपर विश्वास करता है तो सरकार के एक फ्री ब्रीफ है सरकार मुद्दा दे हांडल अब नहीं तक मिलियन सेफ फेफ कितना पैसा प्रेस बहुत पैसा एक गरीब के लिए ये पैसा उन्हें जन्नत में ले जाता है कानी तो जिस प्रोग्रेस जनरल बहुत काम उनके पास आ गया है
अब वो नहीं जाने कौन से शुरू करे कौन खत्म करे, बहुत ज्यादा है। ए भाई जी मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो भाई जी ईश्वरी नाम के तमाम जनता है, बात ऐसे है काकी कि हमारा देश में तेल निकलने वाला है, तेल मिलने वाला है, गया नाम तो मिल रहा है, और हमारे देश के भैया इलियास जो है स्टास ओली का डायरेक्टर ने, उनका कहना है कि गयाना सूरीनाम को मिलके एक हाफन बनाना चाहिए, ये कौन कौन सी खातिर सोचो आप? ये देखिए शबीर जो रीबा गयाना में है और सूरीनाम में बा वो उतना दीप ना है, इस ऑन दीप तो भारी भारी जहाज जो नाई तेल लेवे जो तेल अब निकलेगा गयाना में तो निकले लगल तेल, सरनाम में जो तेल निकले लगेगा समुंदर में तो भारी भारी जहाज छोटा बोट से ना आए तेल लेवे वहाँ तो ना आ पाई अंदर हाफन पर हम लोग के, तो एक डिप से ही हाफन चाहिए बनावे के जहाँ पर बड़का बड़का जहाज लग सके, मिलियनन के हिसाब से तेल ओमा भराए के और बेतलान जा सके है। तो वही खातिर इलियास बोली से और भी मटेरियल जो चाहेगा पैब वन करीबन 3,000-4,000 मीटर डीपी दीप्ता तेल हैगा 3-4 किलोमीटर सही, जाने कितना बेस्ट के काम लगेगा, तो आप चाहे बेतलान से आवे के तो छोटा छोटा बोट से लइए तो हानि बा कॉस्ट तो बड़का बा, तो भारी भारी जहाज से चाहिए आवे के, तो वही खातिर एगो दीप से हाफन जाए, ई दोनों देश मिलकर एगो हाफन बनाई, मार हमरे देखे प्रॉब्लम बा जब दुई गो मिल के बनाई तो बोली हमें इतना आंदिल चाहे मिले हमें इतना आंदिल चाहे मिलेगे, तो कहाँ बनेगा निकेरिम बनी कि गयाना में बनी, वो एगो मुसीबत बा। तो रखेरें के चाहे विचार करे के अब तेल तो हिया ना निकले है लेकिन अब बहिए से चाहे मूरी दौड़ावे के कि कहाँ पर तू हाफन बनाइए, वन न कि अब तेलवा निकले लगी तब तुझे ये हाफन बनावे, तब कॉस्ट तो का और ज्यादा होगा, वहां तो छोटा बोट से तो रेंदाबल ना है तब मास्कपे ना आई इन्वेस्टर करे यहाँ पर, ये मुद्दू आल प्लानर और तो के चाहे भी बेतलान से भी अफस्टैम करे के उतना कर्जा दे वन जब तू एगो दीप से हाफन बनाइए तो मिलियार्डन के बातचीत बा डाला के, और यहाँ हम लोग 600 आदमी के ठीक से खाई ना दे पाएला तब कैसे करिए, तो हम सोचे ला कि हम लोग पता ना है कि हम लोग का ना घर के हो गए कि घाट के हो गए। भाई जी ये तो आप सुन चुके हैं, अब हम लोग इंतजार करेंगे क्या बात हो रहा है। अब आप देखिए एलफीफी का मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले स्टेक्टिंग मशीनल लंगबो के लिए नया बस्तीर कायम किया है, स्टेक्टिंग मशीनल लंगबो SML, वहां पर भैया गंगाराम पांडे के भैया दुखी और भैया मंगली इन तमाम लोग को वहां बैठाया है इस स्टेक्टिंग में। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि रखेरिंग बोटर से ये स्टेक्टिंग मशीनल लंबो SML को वैसामा ग्रुप को बेस्ट की बेच दिया है, लमहर हाल केर से स्टेक्टिंग मशीनल लंबो SML श्री देसी बोटर से का रखेरिंग स्टेक्टिंग मशीनल लंबो को बेच दिया है कुछ समय पहले वैसामा ग्रुप जिसका प्रेसिडेंट कमिश्नर है श्रीमान महेश पाल सिंह। अब हमारा देश का नया रखेरिंग ऑन द रेडिंग फ्रंट प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी एलफीफी का मिनिस्टर स्टेक्टिंग मशीनल लॉन्गबो के लिए एक नया स्टेक्टिंग बस्टेन बनू किया है। अब जनता की तरफ से तो सवाल यही है कि यह स्टेक्टिंग तो देसी बहुत सके रखेरिंग NDP रखेरिंग सामा ग्रुप को बेच दिया है, तो ये कौन सा SML का बस्तीर ये मिनिस्टर ने बनाया है? इस न्यू SML क्योंकि वो पुराना SML को इस पर कोई हकदार है ही नहीं क्योंकि वो SML तो बिक गया है। एंड भैया जी जो महेश पाल सिंह है खरीदने के बाद में उस SML पर
हिपोटेक लिया है, कर्जा लिया है करीबन 24 मिलियन अमेरिकन से डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस टेक्सटे मशीन आदमी को बिक चुका है, अब ये मिनिस्टर ये नया एसएमएल बनाया है। वार इज द न्यू एसएमएल हिज फेस्ट, वहां एक दातम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ऊपर वर्ग का एसएमएल प्राप्त मिनिस्टर, क्योंकि जो एसएमएल बिक गया है। ज्ञानी लोग ये बात कहते हैं, लांस द वैत खुद ना खान, कानून जो कहता है थोकात मुत वीत मान थोकात है भाई यार एंड स्टडी ऑफ करोंत मान, ये सब चीज सबको जानना चाहिए न जनता के मुंह सुने। जब ये स्टेक्टिंग मशीन लान बॉ बिक गया है, दन ए सक इन बजट फंड 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 वैसामा ग्रुप, तो तू वहां से कैसे निकाल सके है ये मान इफ कॉक तो या। अच्छा दूसरा बात ये है, वर खेरिंग मुस्खदान है बखेरिंग मुस्क इन अलकफाल जोन कोप और फेर कोप जो हुआ है उन दिनों में फिया द रेक्टर नित फरकलार करने के लिए दैट्स आर द वेट वन एयर यू नीड एज बेंच कि काहे वो आदमी के बेश के देश सरकार वन है हिपोटेक का फैसला कह रहा सौंदर एखना कहे हिपोटेक फैसला कर दो भाई है कि ना। हाँ, तो इसे है, हाँ। तो अब रखेरिंग रखेरिंग चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुत इन अलखफाल फिया द रेक्टर जॉन कोप एंड फेर कोप जो भाई भैया महेश पाल सिंह से मेट वेस्ट सामा ग्रुप से वो कोप एंड फेर कोप के नीतक फरकलार करने के लिए और नीतक फरकलार जो हो गई से आज रेक्टर एंड फोन सेव को भी से पास दन का ये सह एसएमएल कम तुरख इन द बूसन फॉन द रेफेरिंग वन न्यू नीट। तो जो मिनिस्टर जो एसएलएम को बनुम किया है न्यू मुत है सह इस एसएलएम थ्री इज एसएलएम एसएमएल एस एम एल श्री नाम से मशीन लानबो मशीन से कुछ ना तो लानबो। अब ये बात इस डे से स्टेक्टिंग दिन ही वो स्टेक्टिंग ओ खर खस्तरित बे काकाएफ हो सके काकाएफ पर डिजर्व द स्टेक्टिंग तो ही मार खस्तरित है इस दैट मोखलक इस नहीं मोखलक जब बक लाद द यूरिस्टरी ने खुद ऑन द सुख भाई जब ये एसएमएल बिक गया होगा दन इज द एखनार महेश पाल सिंह एंड सोंद सैन टूस्टमिंग माखी एंकल बुस्तूर खां पर मेरे भाई इस्लाम से एफ साख ये जनता के विचार है। और अगर जो स्टेक्टिंग मशीन लांडो न बिका होगा दन इस अंदर साख, लेकिन आज तक हम लोग यही बात सोची रहा कि स्टेक्टिंग मशीन लांडो ये बिक गया है खरीदार इस महेश पाल सिंह ऐसे बात पता चला है जो प्रेसिडेंट कमिश्नर वन बेस्ट सामा ग्रुप ऐसे है भैया कि नहीं से। हाँ वतन उ डायरेक्टर रहा भी एन एस डायरेक्टर फॉर वेस्ट सामा ग्रुप प्लस वास है प्रेसिडेंट कमिश्नर फॉर एसएमएल। तब बताइए एसएमएल हैड एन स्कल्ड एंड हैव द स्कल्ड गेकॉक्ट और प्लस एन जब किन ले से स्कल्ड सरकारों के स्कूल सहित बेच दे सही एसएमएल और बाद में वो एगो हिपोटेक उस पर रख दे से। अब जैसे आप बोल रहे हो आंध्र बद्राइव, हाँ ऐसा आंध्र बद्राइव हो रहा अब चाहेगा स्टक में देखेंगे का है ऐसा सो ऑफ ऐसा नहीं सो ऐसे थरकॉक्ट एवरी नहीं थरकॉक्ट जब ना बिकल होई दानता ये इस दो अगर जब बिक गया होगा तो हम लोग झूठे से अपना मुंह मार रहे हैं उस चीज पर भाई जी समझे ना जी। हम लोग जो बना बना चीज है उसको हम लोग हम लोग उसको संभाल नहीं पाए हैं। वार इज ब्रंशेल फंदा ब्रंशेल जहां हम लोग के ब्रंशेल के द्वारा हम लोग आधा दुनिया में हम लोग के लकड़ी गई है हम लोग के मैं से डर्चलैंड हम लोग के पकड़ गया है ब्रंशेल का। आज वो ब्रंशेल को इन लोग ने नाश कर दिया सूरीनाम में नाश कर दिया भाई जी। प्यारे भाइयों हम लोग आशा रखते हैं कि यह मामला भी सरकार ऑन द सुख करके बहुत जल्द बताएगा स्टेक्टिंग मशीन लांगबो के बारे में इस स्टार्ट सूरीनाम और इस फरकोख्त ऑन द हेयर महेश पाल सिंह भाई जी। 12 फरवरी को शिनेज यारदाख है बड़ी धूमधाम से ये मनाएंगे और हर एक साल
चिन्हवा लोग एक जानवर के नाम देता है, कभी फर्कन, कभी टाइगर, कभी गोरेला, कभी ये सुनांग, कभी अपसी है ओस, अपसी है बैल, बैल बुल। तो पता नहीं कि अपसी बुल कटेगा का कटेगा। बाकी चिन्हवा लोग 12 फरवरी को वो पगारा के शो करेगा, ऐसे बात हम सुन ली, कुछ कुछ चुका सुन लो। फिर वर्क शो रहेगा। और भी हमने सुनने में आयल है कि आरखा पास रहेगा दोर कोफेट, इतना ऐत खबर है इतना वो लोग नहीं फिर करेगा, मां वो फिर वर्क शो रहेगा। बाकी अभी पता ना कहाँ वो फिर, हम सोचिला ऑन फांगलेक है इस पर या सुरीनाम रिफेर पर पोंटोन से द्वारा करेंगे। बाकी वो फिर वर्क शो रहेगा, कई बजे रहेगा पता ना है। हम लोग बहुत से बहुत मुबारकबाद देने जा रहा हूँ शिनी से फैमिली को। तो अल्फ्रेडा है एक लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा जाने के। और उम्मीद है कि सरकार मिनिस्टर, एक बात है ये जो टोटल लॉकडाउन आप कर रहे हैं 7 दाख फ्राइडाख एंड सोमदाख दू दाख नित मेयर मिनिस्टर, क्योंकि इंसान अपने जिंदगी में बहुत से रोजगार करते हैं सुख शनिचर त्वार के दुआ मानदाख देख है वो दुआ दाख मिनिस्टर है। एक आदफीस हम लोग को भी ले लगा कर वजन हिल और दन यूनी और आप लोग को हम लोग बहुत शिक्षा दे सकते हैं। मनीष अभी देखिए हम 31 मिनिस्टर के बकराई फोला अभी काहे खातिर वीकेंड में करे हैं। फ्रेदा सातरदा लोग चुप्पे चुप्पे फरियारी मनावे हैं, तो अना डांसिंग करते हैं ई करते हैं, और दौर द वीक वो सब चीज ना है, सब कोई तो नौकरी पर रहे हैं। दिस एक कंती से अना मिनिस्टर के हम भी बकराई फोला ओम दत्त वहां तब का होएगा, घर के पीछे आपन एगो टेंटी बनाए के तो वहां डांसिंग करे है, फरियारी करे है और कुछ ना कुछ करे हैगा। तो ओम दी देंगे तो हुए पर बस में देंगे ज्यादा हुए है। दिस ओम दत्त फॉर कोमा ही द मिनिस्टर बसलो तो ओम फ्राइडा इन इट वीकेंड तो लॉकडाउन तो दोन मां हमरे देखे में जब तू मांगे है करे तपन तो लॉकडाउन ना कर, मत आफन क्लॉक वा 6 बजे कर दे ताकि दिन के जो लोग के ना लैंड बॉवर्स है अपना तरकारी होके चाहे जाए तूरे के और काम करे के कह जग बात ये रहा कि जब स्कूल बंद है कंतोर बंद है जब दू ये मेरे फंड भी सोन दाख सात दाख छोड़ दे कि इंसान अपना प्रार्थना के लिए मंदिर यहीं पर चला जाए दूर से या कुछ और कुछ करे घर द्वार व तो समझे ना ये बात के मतलब है। और तो जाने कि बुजुर्ग लोग जो है और मैन से जो है वो लोग ने कम से कम तनी से शहर से बाहर जा कर के और रिलैक्स करे थे ना सवेरे के 10 बजे 11 बजे के समय से। तो तू सोमदा के अतवार के अब दरख दे कि नीमत मुतबस्त्रात नीमत मुद्दात तो खफांगनेस हो गए श्री नाम और श्री नाम में खफांगनेस के भी जरूरी ना है। खफांगनेस के जरूरी है जो चोरवन चोरी कर रहे हैं फिनांशियन में और देशवा में वो लोग के लिए खफांगनेस है ना हम लोग के लिए। तो ये उल्टा हो गए तो जे के जेल में चाहे जाए कि वो जेल में ना है, जेल में हम लोग कभी नहीं चलो पाल दी सर, हम लोग कुछ ना कर ली। हाँ कुछ ना कर ली सर। हाँ ए भैया एक बात सुनो काका, और बात ये है कि एक फ्रेंड एक गाड़ी में बैठ के जा रहा है, ऐसे बात है ना। तो अचानक फ्रीज देखे फ्रेंडिन के हाथ में मधा टेलीफोन न्यूस्टम एकदम से एकदम बैठे लाल से चमके सब कुछ। तो पूछे तोरे पास ये कहां से आई है, तो अब उन बताए मांगे हैं, लेकिन पता चला कि वो टेलीफोन ओकर एगो फ्रेंडिन एगो लेस्बिस के छोरी यानी जाने औरतियन में चले ना चिजवा ना मतलब मान कभी कभी औरत तो पता कि एक रिवासी है एक औरत से जो बेवीचलांत में है, है? वो मोबाइल ओकर खाते पठाई हाँ ओके खाते कदो पठाई से बस प्रिंट हुआ तो का मारी से ना खूब। हाँ वो बोले कि ना हो ही सके है तो के कोनो आदमी दे से गया और तू वो आना मोबाइल के पीछे आदमी से मौज मस्ती कर ले। हाँ कसलाफ में दीमान तब तो पहले टेलीफोन वो तो मैं उनको मारपीट बैठ तब बता इसकी ना हमारे फ्रेंडिन जो हम लोग उरिलासी के रह ली हम लोग मतलब कि
हाँ समझे तो ना वो औरतियन के जो बवाल है तो दोनों प्राति हुई है। हाँ और ही कारण से आज दुनिया भर में छुट्टी छुट्टा हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल गया है, यही सब कसूर करते करते ये सब पाप जो है दुनिया के अंदर में मौसी, तो ये सब चीज फैलते फैलते आज इतनी दूर तक कि हम लोग का मूरी पर आकर के रुका है ना, बेकसूर लोग को ऊपर वाला गुस्सा ही है हम लोग के ऊपर भी। बहुत गड़बड़ भाई, बहुत गड़बड़। तो मारपीट भैया, अब देखो कोर्ट कचहरी होने को जा रहा है। अब का भाई रे भैया, ब्रोंटो मिनिस्टर ब्रोंटो सोमवार जो बोले कि 25 तारीख को नेशनल फेस दाखम न रही, बोले एगो हम एफएम की स्टॉक बना चुकी है और एफएम बिजनेस करेगा कि फेफन 20 फरवरी नेशनल फेस दाखम न रही, क्योंकि बहुत इसे खुद कहा है फेफन 20 को कुप करी से, अब बोले कुप के समय हम लोग को उत्सव मनाना नहीं चाहिए, हम लोग को बसिन करना चाहिए, मातम करना चाहिए। और रून ऑफ इंसान देश का एक्सप्रेशन कहा मुत हाल्फ स्टॉक, तो अभी तक ये बसलेट नहीं हुआ है। मिनिस्टर राज बसलेट देश वीक ऊपर फेफन 20 फरवरी हमारा देश का प्रेसिडेंट एक कमेटी बनम किया है, ये कमेटी भी इस वक्त काम कर रहा है कि जरूरी है यह उत्सव या जरूरी नहीं है उत्सव। यह खबर जो हम लोग बताए थे कि कुछ असेंबली लीडर ने पार्लियामेंटारियस के बाद एक फिर यहां पे मिनिस्टर पर का टास्क किए हैं, श्रीमान महेंद्र जोगी, देव शर्मान, निशा झकरी, स्टेफन मत्साले, रॉय मोहन, ये फिर यहां पे का फ्रैक्शन नेशनल असेंबली में मिनिस्टर को ऊपर नाराज है कि अवारा सुलेश वयंबोरिफिर में सिपालवीनी जो वहां पर आन बस्टेजिंग हुआ है उपबार आन बस्टेजिंग रेनुफेर फान अवारा सुलेश, इन लोगों के देखने में ये ठीक रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि अवारा सुलेश एलफीफी के मिनिस्टर के नहीं बल्कि उपबार वर्ग मिनिस्टर के करना चाहिए। And what am I the LFA minister khadan bole ki at ramal bay LFA and ye sab schreven kiya hai chitthi bheje hue hain president Chandrika Prasad Santokhi ke liye aur unse madad mang raha hai desh request for LFA to ant pakan aapke dekhne mein ye mamla kaise hai sab fi appear hai LFA ka minister bhi fi appear hai aur ye log ne एक मिनिस्टर के उपबार में आनफाल कर रहा है और अपना फीहापी का फोर्स इतना जो प्रेसिडेंट है उनसे चोरी किया है इस मिनिस्टर को टैकल करने के लिए। क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ असेंबली लीजन और मिनिस्टर में कुछ गड़बड़ है? देखिए चाहे यहाँ पर तो वेतखीफंद माह जो है ऐतफूरंद माह को कंट्रोलर करे हैं। अगर मिनिस्टर ने गलती करी से तो वेतखीफंद माह जो है ओके चाहिएगा ऑर्डर ऊपर करेगा दत मांगनी ऐत कि तू एक के पारते एक आदमी बाटे है तो अपन हम तो के बस खैरम करबे ना ला तो उपकार स्पेला तो फ्राइडे के असेंबली में मिनिस्टर बोली सहेगा इस पर जवाब दे सहेगा कि उपम्बार वर्ग का मिनिस्टर एलफीफी से बोली से कि हेन बच्चे ओके पैसा ना बा ऑम दी आन बस्ती दिंग हो ऑम 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 फॉर दी प्रोजेक्ट बता ही फरसाह एलफीफी जैसे मिनिस्टर फा एलफीफी बोले हैं कि ही एलफीफी खफराह कि फिया एलफीफी से प्रोजेक्ट आउटफोर करेंगे वन एलफीफी misschien heeft LVV in zijn kas dat geld. Uitbesteed bij de, maar al die procedure doen LVV aan weken hè, volgens dezelfde procedure is die aanbesteding gehouden. Dus minister is niet fout? Dat zegt de minister Siudin. Daar willen weken minister Noor Salim Noor Mohammed heeft een brief gestuurd naar LVV om die project te laten uitvoeren omdat OWE geen geld heeft. अब पता ना है किसके सच बोले ये असेंबली से फॉर बारक फॉर फॉक्स जाओ नहीं एक फिर नहीं फॉर बार उपकार
Het is gewoon open kaart gespeeld en minister moest een uitleg geven. Okay. En achteraf blijkt, is het werkelijk zo dat minister Noor Mohammed een brief heeft gestuurd. En als het blijkt dat het dat niet zo is, dan is Sudin in fout, minister van LVV. Dan moet hij voor de consequentie instaan, vind ik. Bhaiji, aaj bahut tarah ki baat raha. Bhai Mahinder, waise to COVID ke baare mein baat kar chuke hain aur bahut tarah ki baat hai desh mein. Ye jo mamla abhi hai, log bolte hain sabhi tak rahega na wo lockdown. Phir uske baad safe to safe rahega. Abe pata na, want volgens deze persbericht, radio na minister Bolera, tot 7 februari telak. Dus ham sochi la ki kal lego persconferentie en minister lagayenge, aur fir aage bataenge kaise komende 2 weken rahega. भैया जी आज बहुत तरह की बात रहा बोलने के लिए हम आप लोग के सामने सब बात रख चुके हैं और हम उम्मीद रखीला कि हमारे देश की सरकार जो है इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान रखेगी. जनता का मांग जो है जनता भी चाहते हैं कि जनता बहुत दुख न काटे क्योंकि ये मामला जो है कोविड के ये रह जाएगा. जहाँ तक हो सके तो ये फंक्शन आ जाए, सब लोग के फंक्शन दे दिया जाए. जिसे लोग बोले हैं कि ब्रेक करवा लो ना, तो हर एक शांत हो जाएगा देश के अंदर में, समझे ना. तो ये बात हम लोग सोच रहे हैं और सरकार बहुत तरह की मदद कर रहे हैं. जनता से भी निवेदन है कि आप लोग भी प्रार्थना करो, दुआ करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटा भाई जी और न जाने कब आपको जाना पड़े. इसलिए मिल करके आओ करो, हम लोग मिल करके ये समस्या को हल करें और प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि ये मुसीबत हमारा देश में हल हो जाए. है सवाल? हाँ, मैंने सवेर ना हम लोग के भी चाहिएगा ना कि ना जैसा हम बखन में कहे हैं कि हम लोग अगर 2-3 महीना ना असर करे ताकि ना रीखल से चले, जैसे बेयुखी जैसे मिनिस्टर फॉर फॉलो सुशांत है बोली सही गा, तो हम सोचिला कि ये कमती हो जाए और फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाए. तो हम यही चुरावरी कर रहे हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही बेगी करते हैं फॉलक से एक तो कि ना हाउ द रिहल्स इन आठ, ताकि हम लोग भी ना फिर एक न्यू नॉर्मल से शुरुआत कर सके. भाई जी फिर मुलाकात हम लोग आपसे करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया बहुत तरह के बात रहा कहने के लिए, लेकिन हम लोग कह नहीं पाया, बाद में कहेंगे. हरी प्रसाद वैख नंबर 30 से श्रीमती रोसलीन जयनाथ सुख के साथ सूचना देती है कि एतवार फ़रवरी के 7 तारीख को 78 साल की उम्र में श्रीमती रोसलीन जयनाथ का पति गीता और शरीता का पिता सुनील गंगाधीन और अश्विन प्रहलाद का ससुर रक्षा और कशिश का नाना स्वर्गीय सहदेव जयनाथ और स्वर्गीय सुगदा जयनाथ सेवबरन का बेटा हरिप्रसाद वैख नंबर 30 के रहने वाले श्रीमान भागवत प्रसाद जयनाथ की मृत्यु हुई है. इन्हें लोग नान के नाम से ज़्यादा जानते थे और सुरालको का खपेंशो निर्द था. अर्थी कल मंगर फ़रवरी के 9 तारीख सुबह में 10 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा. दिन में 1 बजे निवास स्थान हरिप्रसाद वैख नंबर 30 से उठाई जाएगी और 2 बजे क्रेमासी और अर्थकेक पर दाह क्रिया की जाएगी. तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है. यारिका बावैख नंबर 50 से श्रीमान चंद्रभान श्यामलाल सुख के साथ सूचना देते हैं. सुख फ़रवरी के 5 तारीख को 62 साल की उम्र में श्रीमान चंद्रभान श्यामलाल के पत्नी संजय रेखा शारदा और जयराज की मां
पांच लड़कों के आजी, सात लड़कों के नानी, यारिका बावेख नंबर 50 के रहने वाली श्रीमती चंद्रा शामलाव जियालाव की मृत्यु हुई है। अर्थी मंगर फ़रवरी के 9 तारीख सुबह में 10 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। दिन में 1 बजे निवास स्थान यारिका बावेख 50 से उठाई जाएगी और क्रेमासी गेट पे पहुंचाया जाएगा, जहां पे दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार रूपसेन और बाकी परिवार शोक के साथ सूचना देते हैं। सोमवार फ़रवरी की 1 तारीख को 89 साल के उम्र में परिवार रूपसेन, परिवार कुमार सिंह, परिवार नौरंग, परिवार रोनी, परिवार रामोन, परिवार आइवन, परिवार जैन और परिवार सुशीला, इन सभी के माँ, सास, आजी, नानी, पराजी और परनानी, प्रिंसेस स्ट्रात नंबर 273 के रहने वाली श्रीमती योसफिन सुखरानी रोसिक के मृत्यु हुई है। अपने जीवन में खपेंशोनियर थी मिनिस्टेरी फॉर यूस्टिसी एंड पोलिसी की। मंगर फ़रवरी के 9 तारीख अर्थी देखने का मौका दिन में 12 बजे से पंडित जगदेव पराख मिश्र क्रेमाटोरियम के हॉल में डॉक्टर शोफिरत मोस्त्रात में और दिन में 1 बजे वहीं पर दाह क्रिया की जाएगी। COVID-19 मात्र इखलन के साथ में तमाम परिवार जान पहचान वालों को खबर दी जाती है। हाउटनवेख नंबर 114 से श्रीमान जय प्रसाद सिद्धू शोक के साथ सूचना देते हुए 20 फ़रवरी की 4 तारीख को 72 साल के उम्र में श्रीमान जय प्रसाद सिद्धू के बहन श्रीमती शांता सिद्धू सोमनाथ के ननद प्रशांत ज्योतिका और सुरागनी के फूआ, एक होने वाले दामाद और एक होने वाली पतों के फूआ सास। हाउटनवेख नंबर 114 के रहने वाली श्रीमती ब्रिजनावती सिद्धू के मृत्यु हुई है। अर्थी मंगर फ़रवरी के 9 तारीख दिन में 12 बजे हाउटनवेख नंबर 114 से उठाई जाएगी और क्रेमासी गेट पे पहुंचाया जाएगा, जहां पर भी दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। सारण अवारा दाम नंबर 38 से विधवा वोनी महांगू लौतन सोख के साथ सूचना देते हैं। एतवार फ़रवरी की 7 तारीख को 62 साल के उम्र में विधवा वोनी महांगू लौतन की बहन सुनील रामोन रवीन आशना और शांति के मौसी लीता शालिनी शर्ली रत्निल और गिलेर्मो के मौसिया सास सोराया शानिल आयशा रिशान शानिया और रोहन के आजी आरोही के नानी स्वर्गे ग्लेन महांगू के साली ब्राह्मोपेख नंबर 76 के रहने वाली श्रीमती हेमावती लौतन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग मून के नाम से ज़्यादा जानते थे। अर्थी बुध फ़रवरी के 10 तारीख सुबह 10 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। 12:30 बजे निवास स्थान ब्राह्मोप वेख नंबर 76 से उठाई जाएगी और दिन में 2 बजे वेखनारजी पर दाह क्रिया की जाएगी। बैठक निवास स्थान पर की जाती है। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। हरी प्रसाद वेख नंबर 30 से श्रीमती रोसलिन जयनाथ सोख के साथ सूचना देती है कि एतवार फ़रवरी के 7 तारीख को 78 साल की उम्र में
श्रीमती रोसलीन जयनाथ का पति, गीता और शरीता का पिता, सुनील गंगाधीन और अश्विन प्रहलाद का ससुर, रक्षा और कशिश का नाना, स्वर्गीय सहदेव जयनाथ और स्वर्गीय सुगदा जयनाथ सेवबरन का बेटा, हरिप्रसाद वैष्णवर्तीस के रहने वाले श्रीमान भागवत प्रसाद जयनाथ की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग नान के नाम से ज्यादा जानते थे और सुरालको का खपेंशु निर्द था। अर्थी कल मंगर फ़रवरी के 9 तारीख सुबह में 10 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। दिन में 1 बजे निवास स्थान हरिप्रसाद वैख नंबर 30 से उठाई जाएगी और 2 बजे क्रेमासी और अर्थ कैक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। मावा का बो वैख नंबर 136 से श्रीमान नरेश जयनाथ सुख के साथ सूचना देते हैं। एतवार फ़रवरी के 7 तारीख को 78 साल के उम्र में श्रीमान नरेश जयनाथ का दादा श्रीमती राधा जयनाथ बुझारत का ददुआ ससुर कैलाश और सरस्वती का आजा, हरिप्रसाद वैख नंबर 30 के रहने वाले श्रीमान भागवत प्रसाद जयनाथ की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग नान के नाम से ज्यादा जानते थे और सुरालको का खपेंशो निर्द था। अर्थी मंगर फ़रवरी के 9 तारीख सुबह 10 बजे से निवास स्थान पर रखा जाएगा। दिन में 1 बजे निवास स्थान हरिप्रसाद वैख नंबर 30 से उठाई जाएगी। 2 बजे अर्थ कैक पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों को खबर दी जाती है। The singer and producer Ifanu has out met his first single for this year, that is Turn Me On, and we zijn hier met de heer Promarman, meneer Fabian. Hij zal dus meer vertellen over het nummer. Welkom in de studio. Dank u wel. Hoe is het met u? Met mij gaat goed. Ja, een goed jaar. Is het jaar goed begonnen? Ja, het is zeker goed begonnen. Ja. We zitten in 2021. Coronavirus gaat nog steeds door. Zo. Weet je, dus, maar we zijn er. Het werk moet gedaan worden. En ja. Ik ben blij om in multicultu te zijn. Ja, ja. Oké, okay, Ifanu is met zijn nieuwe single uit. Wat we mogen verwachten is dat sowieso de promotie al in Frankrijk gestart is. Yeah. En natuurlijk andere landen zoals Afrika ook erbij. Nu is Suriname aan de beurt. Het is de eerste voor 2021 en dat betekent dat Ifanu niet is blijven wachten. Turn Me On, zo heet de gloednieuwe single van Ifanu. We zijn 1 februari begonnen met de promotie. En dat wil zeggen, zo blijven we maar doorgaan. We hebben ook voor multicultuur hebben we de videoclip meteen gebracht. Ja. Dus we vinden het belangrijk dat ook de mensen die naar multicultuur kijken moeten weten dat Ifanu met iets nieuws is gekomen. Ja, klopt. Turn Me On is het gaat om een liefdesverhaal. Het gaat om het liefdesverhaal, ja. Ja, heeft het te maken met de zanger zelf? Ifanu zingt graag over de liefde. Ja. Ja, en Turn Me On is hij op zoek naar de ware. Ja, en een beetje Caribische invloeden natuurlijk. Dat heeft hij gebruikt. En we weten dat we in de maand van de liefde zitten. Dus Turn Me On is heel toepasselijk voor op dit moment. Ja, oké. En u gaf net aan dat ze al in Frankrijk bezig zijn geweest met de promotie. Maar ja. En nu uiteindelijk Suriname. Ja. Waarom zijn ze eerst begonnen in Frankrijk? Woont hij zelf? Hij woont zelf in Frankrijk. Natuurlijk is hij geboren in Frans-Guyana. Ja. Heeft Surinaamse roots natuurlijk. Vorig jaar heeft hij het heel goed gedaan met Like a Gangster en Hypnose. Die hebben we ook mogen introduceren in Suriname. En om je vraag te beantwoorden, waarom in Frankrijk? Hij woont en werkt in Frankrijk.
De man is zelf los dat hij artiest is, is hij ook producent. Yeah. Dus hij heeft zijn eigen muziek geproduceerd. En natuurlijk de videoclip heeft hij anderen bijgehaald. Ja, yeah, en hij heeft hem ook zelf, het is zijn het is zijn, studio. Ja, het, hij heeft het zelf geschreven. Mm-hmm. Ook zijn eigen studio. En natuurlijk vinden we het belangrijk. Kijk, want soms zitten we in verschillende landen als Surinamers. Maar je denkt, je hoort een nummer en je denkt van, is het een buitenlander? Nee. Yeah. Nou, we zijn hier een man. En samen met Tantaki. En hoe zijn er namen om leer sap ding. En dat is de reden waarom Ivano ervoor kiest om zijn muziek steeds met Suriname te delen. En Siska Areda zei dat ik met Takchi Saranantongo is omdat Ivano dat Auluka interview dat aan begrijp je zo Abrasa interview ik want Ivano net taka bakaratongo, maar Ivano verstaan Saranantongo wel. Okay. Ja, ja. Dat is mooi, dat is mooi. En waar hebben we allemaal, waar is Ivano al bekend in Suriname? Welke mediahuizen? Sowieso Arpi, de hot one natuurlijk. Yes. Multicultuur, dat de videoclip ook op de televisie. Mm-hmm. Maar zoals als je weet, een promotie doe je niet binnen één dag. Nee. Het heeft tijd nodig, het moet gaan groeien. En het bijzondere van deze pokoe Turn Me On, wat hij gedaan heeft, is dat hij een challenge aan die pokoe heeft gekoppeld. Oké, okay, ja, wat houdt die challenge precies? Dat betekent, de mensen die op dit moment kijken, als je nou een filmpje maakt, een video maakt, jij bent zelf de hoofdrol, ja. Of je nou gaat dansen, of je nou gaat zingen. Op dat nummer. Op dat nummer van Ivano, Turn Me On. Dus dat betekent, je gaat het zoeken op YouTube, Turn Me On. Ik weet niet wat je wil doen. Wow. Wat belangrijk is, is dat jij zelf de hoofdrol bent. En dan mag je ons gaan taggen erin. Dus dat betekent dat je Ivano erin gaat taggen. Maar je gaat ook promarman.com erin taggen. Ja, wat kan je ermee bereiken? Zo, heel mooi. Je kan prijzen winnen. Ivano, wat Ivano heeft gedaan, heeft 3 prijzen eraan gekoppeld. Dus dat wil zeggen, je kan 1000 SRD winnen, je kan 500 SRD winnen en je kan 250 SRD winnen. Want je weet, COVID gebeuren, 7 uur moet je thuis zijn. Vaak genoeg ben je aan het balen, je hebt niks te doen. Je hebt genoeg tijd dus. Je hebt genoeg tijd. Net wat ik eerder heb gezegd, de promotie is 1 februari begonnen. Mm-hmm. Dus vanaf 1 februari tellen wij tot 28 februari mag je aan je challenge werken. En zeg maar de eerste week van maart gaan we bekendmaken wie gewonnen heeft. En gaat Ivano zelf bekendmaken? Nee, we gaan het samen doen in samenspraak. Want als je je filmpje tagt, betekent dat promarman.com het ziet. Maar ook Ivano het ziet. En het filmpje dat het meest is bekeken, gaat een prijsje winnen. Dat is nice. Ja. Dus... men kan dus eigenlijk vanaf nu aan Vanaf nu, ja. Met het en hoe lang moet het zijn? Hoe lang? Het maakt niet uit of je nou 30 seconden of 45 seconden. Laat je creativiteit erop los. Ja. Wat het enige waarmee je rekening moet houden, die pokoe van Ivano moet ergens op de achtergrond te horen zijn. Ja, Turn Me On, zo heet de gloednieuwe. En net wat ik heb gezegd, het filmpje dat het meest is bekeken, maakt kans om 1, 1000 SRD te winnen, 2, 500 SRD en de derde prijs is 350 SRD. Dus als je hem shared, zou je ook zoveel mogelijk mensen moeten taggen. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Dat is de bedoeling. En ik vind het een heel goed initiatief, omdat hij natuurlijk zijn fans iets dichterbij naar zich toe wil hebben. En ik bedoel zo'n kans dat hij als artiest het mogelijk heeft gemaakt dat jullie prijzen kunnen winnen. Ja. Dus laat zien dat je het wil doen. Ja, en Surinamers zijn creatief genoeg. Dat bedoel ik. Nou, bedankt meneer Fabian en heel veel succes. Dankjewel. De videoclip heb ik voor jullie gebracht. Yes. Dus jullie gaan het laten zien aan de kijkers van Multiculti. En ik wil jou ook bedanken voor dit moment. Graag gedaan. Het aantal personen dat zondag COVID-19 positief is getest bedraagt 21, aldus de COVID-website van de gezondheidsautoriteiten zondagavond. Er zijn zondag slechts 88 tests uitgevoerd. Een patiënt is helaas aan het virus overleden, waardoor het totaal aantal doden nu 161 bedraagt. 46 patiënten zijn genezen verklaard. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 9, en 72 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 135 positief geteste personen bevinden zich in isolatie.
Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 8671. Bij een zware aanrijding zaterdagavond, kort voor middernacht, op de Indira Gandhiweg, blijkt één van de twee betrokken voertuigen, een Musso pick-up, van het ministerie van Justitie te zijn. De wagen werd naar verluid bestuurd door een agent. Hij reed over de Indira Gandhiweg toen hij verblind zou zijn geraakt door het grootlicht van een tegenligger. De agent kwam daardoor op de weghelft van de tegenligger terecht, waarop beide wagens met elkaar in botsing kwamen. De auto van het ministerie belandde in een goot langs de weg. Beide bestuurders werden in een ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. President Chandrika Persat Santokhi heeft vrijdag aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst CLAT overhandigd in zaken onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven vanuit het COVID-19 noodfonds in de periode van 29 april tot en met 24 juli 2020. Het rapport is voor nader onderzoek naar de uitgaven door minister van Financiën Armand Agaibersing doorgestuurd naar de procureur-generaal. Volgens de CLAT is tot en met 28 augustus 2020 uit het fonds waarin een bedrag van 400 miljoen SED was, voor een bedrag van 368.900.648,91 SED aan uitgaven gedaan, waardoor resteert 31.099.351,9 SED. Er zijn nog openstaande rekeningen voor een bedrag van 38.242.815,23 SED, terwijl 29.530.250,21 SED voor ten onrechte betaalde rekeningen verrekend moet worden. Advocaat Frank Truideman is zondag plotseling op 87-jarige leeftijd overleden. Truideman was onder andere advocaat van oud-minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. De Surinaamse advocatuur reageert geschokt op het overlijden van de bekende advocaat. Truideman vierde vorige week zaterdag 30 januari nog zijn verjaardag. Naar verluid werd Truideman levenloos in zijn woning aangetroffen. De VHP-parlementariërs Mahinder Yogi, Deo Sharman, Nisha Jakri, Stephen Matsale en Roy Mohan hebben recent middels een brief vragen aan president Chandrika Persat Santokhi gesteld over een aanbesteding van het ministerie van LVV om de Awara-sluis te renoveren. Aan de openbare inschrijving op 11 januari hebben vier bedrijven deelgenomen. Het ministerie van LVV heeft een raming van 11.235.900 SED voor dit project, maar het werk is gegaan naar de persoon met een inschrijvingsbedrag van 17.669.500 SED, veel hoger dan de raming van LVV. Dat is een verschil van meer dan 6 miljoen SED. Nu weten wij dat het land in een financieel-economische crisis is en de president heeft aangegeven dat we elk dubbeltje twee keren gaan omdraaien voordat wij dat gaan uitgeven. Het lijkt alsof minister Paralat Seudin van LVV de boodschap van de president niet heeft begrepen, stelt Yogi tegenover Dagblad Suriname. Leden van de ICT-associatie Suriname nemen maandag en dinsdag deel aan de 37e Kanto Annual General Meeting Mini Expo. Vanwege de COVID-19-pandemie zal dit evenement virtueel plaatsvinden met een interessant programma bestaande uit keynote-presentaties met als thema Kanto Connect 2. De CEO van Telesuur, Mike Antonius, verzorgt maandagmiddag om 2 uur een presentatie met als titel How Caribbean Operators Are Preparing for the 5G Revolution. De ICT-associatie heeft gemeend om een beperkt aantal ICT-studenten in de gelegenheid te stellen deze presentatie geheel gratis bij te wonen. In de Digital Talents Academy aan de Johannes Mungerastraat zal een ruimte beschikbaar zijn waar maximaal 3 geïnteresseerden geheel met inachtneming van de COVID-19-maatregelen kunnen participeren. Registratie hiervoor kan plaatsvinden op de website van de ICT-associatie op www.ict-as.sr.
Het onderwijsministerie streeft ernaar om de 94 basisscholen in het binnenland te starten op 15 februari, aangezien internet en elektriciteit niet vanzelfsprekend zijn in het binnenland. Online onderwijs is ook in de stad en omgeving niet eenvoudig. De vraag is waarom de scholen in gebieden zoals Nikeri en Koroni, die niet door COVID-19 getroffen zijn, ook alvast opengesteld worden. Volgens de voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, Bernice Baron, is dat niet meteen logisch. Zij geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat er hier rekening gehouden moet worden met de mutatiefactor. Het is zo dat leerlingen naar de dichtstbijzijnde school gaan, maar voor de leraren is dat geen uitgangspunt. Het gros van de leraren werkt niet in een omgeving waar ze woonachtig zijn, en daar kan het mislopen als we alle scholen van een bepaald gebied waar er nog geen COVID-19 is openstellen, attendeert Baron.